Hello, good morning class. Today we are going to start chapter number 3, that is synthetic fibers. Right? आज जो है अपन synthetic fibers के बारे में बात करेंगे कि synthetic fibers क्या होते हैं. Right? इससे पहले अपन को fibers के बारे में जानना बहुत जरूरी है. First of all, we will talk about fibers. That what are the fibers? Fibers are very fine structures. These are very fine structures. Which are used to make fabrics. Right? Fibers जो है बहुत ही fine structures होते हैं जो कि फैब्रिक्स बनाने के अंदर काम में आते हैं. राइट? फाइबर्स जो है जनरली दो टाइप के होते हैं. दीज आर टू टाइप्स. दे कैन बी नेचुरल फाइबर्स. दे कैन बी सिंथेटिक फाइबर्स. राइट? देखो वर्ड नेचुरल से पता चल रहा है कि इसको जो है अपन नेचर से ऑब्टेन करते हैं. कहाँ से ऑब्टेन करते हैं? नेचर से. ऐसे फाइबर्स जिनको अपन नेचर से ऑब्टेन करते हैं, दोज फाइबर्स आर नोन एज नेचुरल फाइबर्स. जनरली वी कैन से कि ऐसे फाइबर्स जिनको अपन प्लांट्स और एनिमल्स से ऑब्टेन करते हैं. ऐसे फाइबर्स जिनको अपन किससे ऑब्टेन करते हैं? प्लांट्स और एनिमल्स से. दीज फाइबर्स आर नोन एज नेचुरल फाइबर्स. अगर प्लांट से ऑब्टेन कर रहे हैं तो प्लांट फाइबर हो गया. राइट? और एनिमल से ऑब्टेन कर रहे हैं तो एनिमल फाइबर हो गया. प्लांट फाइबर की अपन बात करें जैसे कॉटन हो गया, जूट हो गया, एटसेट्रा. So the fibers, those are obtained from plants and animals. The fibers are known as natural fibers. Basically, these are divided into two kinds. One, those obtained from plants, particularly only and only for plants. Those are known as plant fibers. If you talk about examples just like cotton and jute. Cotton and jute are example of plant fiber. If you talk about second kind of the natural fiber, that is animal fiber. Fibers, those are obtained from animals. Fibers, those are obtained from animals. The fibers are known as animal fibers. If we talk about examples, just like we can say silk. Right? Silk is the best example that is obtained from an insect, and the name of that insect is silkworm. Alright? Iske alawa wool. Wool is also example of animal fiber. Wool is obtained from sheep, right? So ये जो है natural fibers के बारे में है, that is not mentioned, जो कि आपकी book के अंदर mention नहीं कर रखा है. अपन को केवल किसके बारे में बात करनी है? Synthetic fibers के बारे में. Right? ऐसे fibers जिनको अपन industries में synthesize करते हैं, those are man-made fibers. Man-made fibers are known as synthetic fibers. Right? ऐसे fibers जिनको human being अपनी activities से industry के अंदर, factory के अंदर synthesize करता है, those fibers are known as synthetic fibers. Right? Synthetic fibers से ही आगे चल के क्या बनाते हैं? Fabric बनाते हैं. सिंथेटिक फाइबर्स को आगे चलकर कलेक्ट करके क्या बनाते हैं? फैब्रिक बनाते हैं. ऑलराइट? दिस फैब्रिक इज ऑल्सो नोन एज पॉलीमर. राइट? पॉलीमर इज अ ग्रीक वर्ड विच इज मेड ऑफ टू वर्ड्स. नंबर वन इज द पॉली एंड नंबर सेकेंड इज मर. पॉली लाइक मैनी and mud like we can say units.
इट मीन्स बहुत सारी यूनिट्स जो है उनको रिपीट करने के बाद में जो एक होल स्ट्रक्चर बनती है, दैट स्ट्रक्चर इज नोन एज पॉलीमर, दैट इज ऑल्सो नोन एज फैब्रिक. ऑलराइट, दीज स्ट्रक्चर्स आर मेड ऑफ केमिकल्स एंड दीज स्ट्रक्चर्स आर मेड इनसाइड द इंडस्ट्रीज और फैक्ट्रीज. इनको इंडस्ट्रीज और फैक्ट्रीज के अंदर बनाते हैं. दैट इज ऑल अबाउट सिंथेटिक फाइबर. सिंथेटिक फाइबर जो है ये स्ट्रॉन्ग होते हैं, वायबल होते हैं, इसके अलावा लाइट होते हैं. दे आर यूज इन मल्टीपल पर्पज, जस्ट लाइक वी कैन से कर्टन जो है अपन इनसे बना सकते हैं, रोप बना सकते हैं, सीट बेल्ट बना सकते हैं, बैग बना सकते हैं, शू बना सकते हैं, और वी कैन से ब्रशेज, टूथ ब्रशेज, इसके अलावा सॉक्स, ये सारे के सारे जो है इन सब के अंदर सिंथेटिक फाइबर काम में आते हैं. और आज के टाइम के ऊपर जितने भी क्लोथ अपन पहन रहे हैं, एक्सेप्ट कॉटन, ऑल वैराइटीज ऑफ क्लोथ आर मेड ऑफ सिंथेटिक फाइबर. सारे के सारे क्लोथ जो है क्लोथ किससे मिलकर बने होते हैं, सिंथेटिक फाइबर से मिलकर बने होते हैं. तो आज की एरा के अंदर सिंथेटिक फाइबर जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, जिसके अंदर भी सबसे इंपॉर्टेंट आता है प्लास्टिक. प्लास्टिक, रेयन, नायलॉन, एक्राइल, ऑलराइट, ये सारे के सारे जो है सिंथेटिक फाइबर्स हैं जो कि केमिकल्स से मिलकर बने हुए होते हैं और फैक्ट्रीज में बनाए जाते हैं. सो दैट इज ऑल अबाउट फाइबर्स, सिंथेटिक फाइबर्स. फाइबर जो है ये बहुत ही फाइन स्ट्रक्चर्स होती हैं, ऑलराइट, जो कि फैब्रिक बनाने के अंदर काम में आती हैं. फाइबर बेसिकली दो प्रकार के होते हैं, नेचुरल फाइबर एंड सिंथेटिक फाइबर. नेचुरल फाइबर जो है नेचर से ओब्टेन किए जाते हैं, बेसिकली ऑफ टू काइंड्स, प्लांट फाइबर्स एंड एनिमल फाइबर्स. दोनों के एग्जांपल दे रखे हैं आपकी बुक के अंदर, केवल सिंथेटिक फाइबर के बारे में ही मेंशन कर रखा है. सो अकॉर्डिंग टू एनसीईआरटी वी गोना टॉक अबाउट ओनली एंड ओनली सिंथेटिक फाइबर्स. ऑलराइट, आई होप यू हैव अंडरस्टूड दिस. थैंक्स, हैव अ नाइस डे.